ना जाने ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है जिसकी हमें सजा मिल रही है। वाह 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 वाह, क्या बात कर दी यार, ना जाने ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है, ये कहो ऐसी कौन सी खता है जो मुझसे नहीं हुई है। हर तरह की खताओं में, हर तरह की बुराइयों में, अखलाक की खराबियों में डूबे हुए हम, और हमें हमारे गुना याद नहीं आ रहे, हमें हमारी खता याद नहीं आ रही। तुम्हें गाली देना तुम्हारा याद नहीं आ रहा, गीबतें करना तुम्हें याद नहीं आ रहा, गाने बाजे सुनना याद नहीं आ रहा, फिल्में ड्रामे देखना याद नहीं आ रहा, ये बदकारी करने वालों तुम्हें तुम्हारी बदकारी याद नहीं आती, ये शराब पीने वालों तुम्हें तुम्हारी शराबें याद नहीं आती, ये माँ बाप को सताने वालों तुम्हें माँ बाप को सताना याद नहीं आता, इस रिश्वत का लेन देन करने वालों तुम्हें रिश्वत याद नहीं आती, ये सूद खाने और खिलाने वालों तुम्हें ये गलीज गुनाह तुम्हें याद नहीं आता, शराबे बेचना याद नहीं आता, जुए के अड्डे चलाना याद नहीं आता, जुल्म करना याद नहीं आता, जुल्म की सरपरस्ती करना तुम्हें याद नहीं आता। ना जाने ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है जिसकी हमें सजा मिल रही है। कैसी अजीब और गरीब बात की आपने कि ना जाने ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है। फजर औंधे मुंह बिस्तर पर पड़े सोते रहे, फजर कजा कर दी, ना जाने ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है। दाढ़ियां मुंड रहे हो, एक मुट्ठी से घटा रहे हो, ना जाने से कौन सी खता हमसे हो गई है। दोगों की दिल आजारियां कर रहे हो, जुल्म और सितम कर रहे हो, ना जाने ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है। जरा सोचिए कैसी बेबाकी है ये। हम पर जो मुसीबत परेशानी आती है इसमें हम ये नहीं देखते मेरे किस गुनाहों की वजह से ये हो रहा है, नहीं फलाने की वजह से हो रहा, फला की वजह से हो रहा है। किसी बुजुर्ग का फरमान है, मेरा गधा जब अजीब और गरीब हरकत करने लगता तो मैं समझ लेता हूं कि ये मेरे गुनाहों की वजह से। ये अल्लाह के नेक बंदे आजिजी, इनके आजिजी वाले वर्ड है, ये आजिजी क्या करते थे। हम हजार किस्म की मुसीबतों परेशानियों में मुब्तला होते हैं, नहीं इसकी वजह से हुआ होगा, उसकी वजह से होगा, इसने कुछ करा दिया था, उसने कुछ बोल दिया था, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। अरे अल्लाह के बंदे अपने गुनाहों को याद करो, हमें जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो हमारे गुनाहों की वजह से होती है। अल्लाह पाक हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए।